वेलकम टू माय चैनल. यू नो इट्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए थे वीडियो डाले हुए, बट लोगों का रिस्पांस मिला, अच्छा मिला. सो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अपनी आवाज़ में नो मेक वीडियो ऑन वॉइस. सो आज एक मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ नया, वो है सोशल मीडिया के लिए बेसिकली फॉर रेस्टोरेंट. तो उसके लिए सबसे पहले 1000x1000 पिक्सल्स एक हम डॉक्यूमेंट लेंगे. RGB मोड में 72 रेजोल्यूशन, डिजिटल के लिए 72 चलता है, प्रिंट के लिए वी कैन यूज यू नो 300. आज एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं रेस्टोरेंट पे, कुछ ऑफर चलती है लाइक कॉम्बो डील्स, बियर स्टफ एंड ऑल. कुछ पिक्चर मैंने ली है, वो मैंने पहले कट आउट कर ली है. सो एक ये है, एक बियर की इमेज है और एक आपका चिकन, तो इसी के ऑफर चलते हैं, तो इसके थ्रू बनाते हैं कि कैसे बनेगा. बाकी जितने लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, यू कैन डाउनलोड दिस पिक्चर. बेसिकली मैंने उसमें से लिया है एनवाटो, सो विल से यू नो विल सेंड यू दिस लिंक्स इन माई वीडियो. ठीक है, पहले सबसे पहले तो चलो हम इसको ही ले आते हैं, तीनों के तीनों यहाँ पे हम ड्रैग करके. इसको प्रोपोर्शन में छोटा कर लेंगे, इसमें सिर्फ दबाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप का. सो विदाउट सिर्फ प्रेसिंग यू नो वी कैन डिक्रीज और इंक्रीज द साइज. करते हैं अब सबसे पहले इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं ना, ऐसे बैकग्राउंड बाद में देखेंगे, पहले चीजें ले आते हैं उसके बाद देखी जाएगी. ये भी यहाँ पे हम रखते हैं. उसके लिए सबसे पहले एक हमको एक बैकग्राउंड लेते हैं, वुडन वाला, वुडन बैकग्राउंड. कुछ चीजें रख रही थी, कुछ चीजें सर्च करनी पड़ती है ना. मुझे लग रहा है ये वाला शायद अच्छा हो सकता है, गूगल में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट हाँ कुछ चीजें फ्री है कुछ नहीं है. तो पिक्चर्स फ्री देता है, कुछ पिक्चर्स ये भी ले सकते हैं. करेंगे डायरेक्टली पेस्ट. सबसे पहले तो इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेंगे. स्मार्ट ऑब्जेक्ट यू नो बनाने से इसकी जो रेजोल्यूशन है, हम कितनी बार भी इसको डिक्रीज इंक्रीज करें वो पिक्सलेट नहीं होगा, वो सेम प्रोपोर्शन में रहेगा. इसको कर देते हैं वर्टिकल. हम इसका एक कंट्रोल जे करके, कमांड जे एक ले लेते हैं इसकी कॉपी. इसको फिर एक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं बस इतना. अब इसमें कुछ हम कलर करेंगे, वो तुम पे डिपेंड करता है कि क्या करना है, बट मैं तो कुछ ब्लू. अब आप इसकी प्रॉपर्टी है ब्लेंडिंग बॉक्स की, या तो हम सिर्फ माइनस प्लस करके भी कर सकते हैं ऐसे, और बेसिकली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कौन सा बेटर है. स्क्रॉल 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 तो ये अच्छा लग रहा है. इसको हल्का सा वो करेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं तो ये पिक्चर थोड़ी सी करेगी करके. ठीक है, तो उसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैंने ओवन में ले लिया है विद 45% ऑफ कैपेसिटी. अब इसके बाद इसमें भी कुछ हम थोड़ा सा यू नो एडिट करेंगे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ से भी. तो इमेज थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे इसकी हल्की से ऐसे, और थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा के थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे हल्का सा,
अब ये है, अगर आपको यही प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करनी है तो इसी की एक कॉपी लेंगे हम कमांड जे करके, और ये जो पॉइंट होता है ना इसको इस पर ड्रैग कर देंगे। ये देखो, ये थोड़ी सी ब्राइट हो गई, इसको डिलीट कर देंगे। सेम चीज इस पर करेंगे क्योंकि दोबारा दोबारा फिर यूज ना करनी पड़े। इसका कंट्रोल ये ड्रैग करके इस पर ले आते हैं, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास तीनों ये है, इसके बाद तो प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें चीजें थोड़ी सी एडजस्ट करनी है क्योंकि ग्लास जो होगा हमेशा छोटा ही होगा प्लेट से। सो उसके अकॉर्डिंग ये सब स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि ज़्यादा चीज़ें ओड ना लगे और ऑल ओवर थोड़ा सा इसको छोटा करके एडजस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से प्लेट का साइज थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। अब इसके लिए हम एक नई लेयर लेंगे, ब्रश। ब्रश पे हम ब्लैक लेंगे विद सॉफ्ट एजेस। अब मैंने ना कुछ टेक्स्ट लिया हुआ है गाइस, ये यहाँ पे जो ऑफर चलती है कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डिपेंड ऑन यू नो ना, आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है वो क्या लिखाना चाहेगा। सबसे पहले ये सारा टेक्स्ट ले आते हैं यहाँ पे, फिर इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया, टाइमिंग आ गई। टाइमिंग के बाद इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी वो डालना चाहेंगे, और फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम का आइकन जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम ये स्टार्ट करेंगे, ये सब ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जगह ऐसी है तो वी कैन यू नो डिवाइड दिस कंटेंट इन थ्री पार्ट, गॉर्मेट, संडे, ब्रंच। इसके लिए देखिए, ठीक है, और इसको भी हम दो लाइनें ब्रेक कर सकते हैं ताकि जो हमारा एरिया कवर हो जाए अच्छे से, ना तो ज़्यादा क्लटर्ड लगे, सब कुछ अपीलिंग लगे एक बारी में कि हाँ कुछ है। ठीक है, इसको मैंने ग्रुप कर दिया फूड आइटम के नाम से, सॉरी एक तो बहुत ठंड है आज इसलिए थोड़ा सा कोल्ड भी है। अब इसके लिए ना फॉन्ट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, मैंने फॉन्ट डाउनलोड कर रखे हैं कहाँ से, मुझको ये वाला फॉन्ट अच्छा लगा है, वाइट चॉक बोल्ड करके, ये थोड़ा सा कैची से लगेगा ना, इसकी यहाँ से हम डिक्रीज कर सकते हैं। ये वाला टेक्स्ट ये हमारा बॉडी टेक्स्ट है तो इसको इतना ज़्यादा हमें प्रोमिनेंट रखना नहीं है, बट फिर भी समझ आना चाहिए। और ये वैसे भी लेटेस्ट वर्जन है तो हमें इसमें सिर्फ दबाने की जरूरत नहीं, कभी हम कंट्रोल टी करते हैं वी कैन डायरेक्टली हो। अब यहाँ पे हमारा जो मेन हाईलाइट है वो ब्रंच है, संडे ब्रंच, तो वी कैन यूज सम अदर कलर टू हाईलाइट दिस थिंग। अगर सारा करेंगे तो बहुत पीला पीला हो जाएगा ना, येलो कुछ ही करते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो चीज़ें मेन है, व्हाट बेटर वे टू किक स्टार्ट, तो बेटर को हम हाईलाइट कर सकते हैं ताकि लगे कि क्लाइंट को, कस्टमर को, कि कुछ है यहाँ पे। और संडे मेनली हॉलीडे, संडे फैमिली जाती है ना बाहर खाने, तो इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कस्टमर को यू नो एंगेज करने के लिए। एक ये हो गया, अब आ गई हमारी टाइमिंग, हमें टाइमिंग को भी हाईलाइट करना है कि ये जो ऑफर है तब तक ही है बस। इसके लिए हम एक राउंड बॉक्स लेंगे यहाँ पे, इतना आई थिंक, ये भी अलग से फिर हाईलाइट हो जाएगा। इसको इसको ले जाएंगे हम पीछे, कमांड एरो करके इसको पीछे, इसको हम कलर कर देंगे दिस येलो, और इसका कलर हम चेंज कर देंगे टू ब्लैक, हम बोल्ड कर सकते हैं इसको। अब इसको और इसको हम ग्रुप कर देंगे टाइमिंग के नाम से, एक हमारे पास ग्रुप टाइमिंग का हो गया,
और इसको इसको हम ग्रुप करके लिख सकते हैं एज ए अपना मेन टेक्स्ट। ये इजी हो जाता है सर्च करने के लिए कि हाँ यार ये है। अब इसको हम कॉन्टेक्ट पर डालेंगे बट ऐसे नहीं, इसको भी मॉन स्टेप फोन करके आई थिंक दिस वन इज फाइन। आप जो भी कॉन्टेक्ट इन्फो डालनी है डालो। एक फिर हम राउंड बॉक्स लेंगे यहाँ पे, ये राउंड बॉक्स, इसको भी हम राउंड कर देंगे पूरा जितना होगा। इसको फिर कमांड से नीचे, अब इसका कलर हम चेंज कर देंगे ब्लैक। इसकी हम इसको हल्का सा बड़ा कर देंगे ताकि ये सीट हो जाए नीचे। इसको भी हल्का सा सेट करेंगे, एक और फॉर्मेट बन जाएगा नो कॉन्टेक्ट इन्फो का। अब इसके लिए हम यहाँ पे डाल सकते हैं कॉन्टेक्ट इन्फो। मेरे तो यही आदत है गाइस कि मैं हर एक लेयर को ना नाम से सेव करता हूँ ताकि सर्च करने में ईजी रहे। अब एक हम फिर रेक्टेंगल लेंगे इसके जैसे, अब इसका जो फिल है वो यू नो क्रॉस करके इसके अंदर हम आउटलाइन डाल सकते हैं। आई थिंक यस दिस वन इज बेटर। इसको भी हम ग्रुप बना के इस पर लिख सकते हैं हम बॉर्डर, एक हमारा बॉर्डर है ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं ताकि लगे ऐसे, ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम और इसको पॉलिश अप करेंगे ना, लोगो भी लगाना है। लोगो हम कोई सा भी लगा सकते हैं, वो तो मैं लोगो आपको टेम्पररी दिखाऊंगा बना के। ऐसे बेसिकली बार का है तो वी कैन यूज सम बार लोगो जो भी है, रेस्टोरेंट बार है ठीक है। रेस्ट्रो इसके अंदर आ गया और हमेशा ग्रुप क्लोज ही करो, ये बहुत परेशान करते हैं। रेस्ट्रो बार को कर देते हैं वाइट, चेंज करेंगे इसको, इसको हम इसको हम कुछ कर्सिव लेके ना बहुत ही अच्छा फॉर्म बन सकता है लोगो टेम्पररी, तो आप अपने यूज कर सकते हो क्लाइंट के लिए जो करो ठीक है। एक बार आ गए यहाँ पे, यहाँ पे रेस्ट्रो आ गया, रेस्ट्रो बार ठीक है, बहुत ही प्यारा लोगो बन गया है ना। बार का हम कलर इसमें चेंज कर सकते हैं कुछ येलो करके, यहाँ से ले सकते हैं पिक और इसको हम कर देते हैं ग्रुप। इसी को हम थोड़ा सा टिंट कर देते हैं ऐसे, टिंट कर गए ना इसका कलर हम डार्क कर सकते हैं और इसी की हम एक कंट्रोल या कमांड जे करके कॉपी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे इसका फिल और इसके हम आउटलाइन फिल करेंगे वाइट कलर की और मे बी येलो कलर की, यहाँ से पिकर ये वाला कलर पिक कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से ये हम इस पर आउटलाइन डाल सकते हैं ऐसे, ये थोड़ा सा और अपीलिंग लगेगा। इसको हमें और थोड़ा थिन करना चाहिए, तो इस पे हम आउटलाइन डाल सकते हैं व्हाइट कलर की। ये सही लगेगा या व्हाइट सही लगेगा चेक करते हैं, आई थिंक ये ठीक है बेटर, टेम्पररी है, वी कैन यूज एनी अदर लोगो जो भी आपको अच्छा लगे। और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इस पे हल्की सी ड्रॉप शैडो डालेंगे कि थोड़ी सी डेप्थ आ जाए, ओपेसिटी कम करेंगे इसको और ऊपर से ब्लैक, बस ये बन गया। पता नहीं अब आप बताना गाइस ठीक है गलत है, ये टेम्पररी है। अब इसको हम सेव करेंगे, थोड़ा सा और पॉलिश अप करेंगे ना। अब हम एक न्यू लेयर लेंगे ब्रश, देखिए मैंने ना ब्रश डाउनलोड की यूज कर सकते हैं,
इसी को हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसी की कंट्रोल या कमांड जे करके कॉपी, थोड़ी यू नो थोड़ा सा हमारा जो क्रिएटिव अपीलिंग लगे इसकी तरफ एरो कर रहा है। ऊपर किसकी, इसकी, तो ये हमें ये मे बी अच्छा लगे वैसे छोटा करके, ये ज़्यादा खास नहीं है, दो ही ठीक है आई थिंक। ऐसे इसको थोड़ा सा ट्रेंड कर देंगे यहाँ से, इसी की कॉपी लेंगे कमांड जे या कंट्रोल जे करके, क्या ऑफर चल रहा है, किस पे चल रहा है, सबको ना अनइवन रखेंगे, किसी को छोटा किसी को बड़ा किसी को बड़ा। एक एक और यहाँ पे लेंगे, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस तरीके से, तो थोड़ा सा ना क्रिएटिव में जान आ जाती है, चीज़ें थोड़ी सी पॉलिश अप करके। अब ऐसे यहाँ पे संडे ब्रंच है तो इसको भी थोड़ा सा हम और कर सकते हैं ना, लेके आई थिंक ये वाला मे बी दिस वन, एक हम यहाँ लेंगे फिर इसके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है, अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा करता रहूँगा ना ऐसे, ये फट गया। अगर ये चीज़ अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके करूँगा तब नहीं होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी काम करो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के। इसको एक यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा अपील लगे ये कुछ ऑफर है, एक को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज, थोड़ा सा इसको और हम पॉलिश अप करेंगे, वैसे हम ग्रेडिएंट में भी जाएंगे, कोई सा भी कलर चूज करके। मोस्टली मैं ये लेता हूँ, आप अपने बना सकते हैं ग्रेडिएंट्स। फिर वही यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन है, मैं तो ओवरले या फिर सॉफ्ट लाइट, मे बी सॉफ्ट लाइट इज बेटर, और इसकी वही ओपेसिटी हम करेंगे ऐसे हल्की से, यू कैन सी द डिफरेंस है ना, तो ले जाएंगे तो थोड़ा सा और अपीलिंग आ जाती है इसमें टेक्स्ट में। अब थोड़ा सा एडजस्ट क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी वाइब्रेंस थोड़ी सी करेंगे, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ये अपने अकॉर्डिंग ना तुम एडजस्टमेंट कर सकते हो, जो जिसको पसंद है ये देखो, तो थोड़ा सा ये और देखने में अपील करना है ना। मे बी वी आर डन, थैंक यू गाइज़।